Let's start now. Listen. Now, what we all are doing, we are just trying to explain this worksheet. Sheet. इसके ना कुछ मगअप करने वाला तो नहीं है. It is just a plain thing. This is how goods are produced and sold. बीच में जो भी खर्चे होंगे अपने को सारे खर्चे बस लिखने के हैं और कुछ नहीं किया. दोस्तों, a simple thing. Direct material, direct labor, direct expenses. तीनों को total को क्या बोल देने का? Direct cost. या इंडिया के अंदर क्या बोल देते हैं बॉस? Prime cost. Add factory overheads. उसके बाद gross factory cost. Add opening stock of WIP less closing stock of WIP. तो क्या आ जाएगा? Net factory cost. उसके बाद add administration overheads for administration of factory. तो क्या आ जाएगा? Cost of production. Finished goods stock adjust करो COGS. फिर ये दोनों खर्चे ऐड करो फाइनल कॉस्ट. उसके बाद ऐड प्रॉफिट गेट सेल्स. ओके सुनो, ये तुम्हारा कॉस्ट शीट. अभी ना जरा सोचो, जो भी एक्सपेंसेस मैंने तुमको एक्सप्लेन किए ना, तुम लोगों ने तो सारे के सारे यहां पर वो डाल ही दिए. लेकिन कुछ खर्चे हमेशा ऐसे होंगे जो किधर भी नहीं आ पाएंगे. कौन से? दीज आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या दीज आर कॉल्ड एज समटाइम्स फाइनेंशियल इनकम्स. अगर इनकम हुआ तो ये कौन से खर्चे होते हैं? ना ये वाले खर्चे कभी कॉस्टिंग के अंदर नहीं आते. एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको कभी ऐसा बोलूं तो इंटरेस्ट. तुम लोगों ने कुछ लोन लिया, उसके ऊपर हर साल इंटरेस्ट तो आएगा. अगर मैं तुमको कभी भी पूछूं इंटरेस्ट किधर आएगा, बस मेरे को यस या नो बोलते रहना. मेरे को बोलो, क्या वो डायरेक्ट मटीरियल है? नहीं. क्या वो डायरेक्ट लेबर है? नहीं. क्या वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? नहीं. जब भी मैं एक यूनिट प्रोड्यूस करता हूं, मैं किसी को इंटरेस्ट तो नहीं पे करता हूं, उसका उससे क्या ताल्लुक है? क्या वो वाला खर्चा फैक्ट्री के अंदर होता है? नहीं. क्या उससे बिजनेस बेटर मैनेज होता है? नहीं. क्या वो खर्चा इसलिए करते हो ताकि गुड ज्यादा बिके? नहीं सर, पैसा नहीं था, लोन लिया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट आता है बस. तो वो वाला खर्चा किधर भी नहीं आता. ऐसे एक्सपेंसेस जो किधर भी नहीं आते आर पॉपुलरली कॉल्ड एज व्हाट? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. अगर कभी इनकम हुआ तो फाइनेंशियल इनकम. ये वो वाले एक्सपेंसेस हैं जिनका तुम्हारे बिजनेस की रनिंग से कुछ ताल्लुक नहीं है. दीज आर ऑल दोज एक्सपेंसेस दैट आर नॉट कंसर्न विद योर बिजनेस. एक छोटा सा और एग्जाम्पल, जो यहां पे लिखा इंटरेस्ट पेड लिखा, ठीक है. अभी और एग्जाम्पल देता हूं. मैंने गुड्स बनाया, गुड्स बेचा, सॉलिड बिजनेस चला, ओके, बहुत पैसा आ गया. मैंने पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा. वो जो मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है उसका मेरे बिजनेस से कुछ ताल्लुक नहीं है. मेरा बिजनेस तो गुड्स बनाकर बेचने वाला है. तो वो जो मेरा इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो कौन सा इनकम हो जाएगा? फाइनेंशियल इनकम. ये चीजों का बिजनेस के साथ कुछ ताल्लुक नहीं होता. एक और एग्जाम्पल, सपोज इनकम टैक्स. इनकम टैक्स जो है इन दिस पर्टिकुलर केस, दीज आर ऑल कंसिडर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस एज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ओके, क्योंकि उसका ये चीजों के साथ कुछ ताल्लुक नहीं है. अभी इसके अंदर दो और एग्जाम्पल ऐड कर रहा हूं. मैंने ना एक कंप्यूटर खरीदा मेरे ऑफिस के लिए. अभी कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा. ये वाला खर्चा किधर हो रहा है? ऑफिस के अंदर. तो जो डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स है वो किधर चला जाएगा? जनरल एडमिन के अंदर. तुम लोगों ने जनरल एडमिन तो किया ना यार, जो भी तुम्हारा ऑफिस का खर्चा है वो इधर आ जाएगा, ठीक है. जरा सोचो, मैंने कंप्यूटर खरीदा था 1 लाख रुपीज के अंदर. फर्स्ट ईयर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया 20,000 रुपीज का, ठीक है. ये जो 20,000 रुपीज है इस एक्सपेंस के अंदर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन है. WDV कितना हो गया? 80,000. सपोज नेक्स्ट ईयर मैंने 30,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, ठीक है. फिर से ये वाला एक्सपेंस किधर चला जाएगा? जनरल एडमिन के अंदर, ठीक है. करते 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 सपोज 3-4 साल बीत गए, आज उसका WDV जो है 20,000 रुपए का रह गया, ठीक है. अभी कंप्यूटर हैड बिकम ओल्ड, मैंने बेच डाला, कितने रुपीज के ना? 15,000. कैन वी से 5,000 रुपीज विल बी लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है. अभी ये जो लॉसेस होते हैं दीज आर कॉल्ड एज कैपिटल लॉसेस. कैपिटल लॉसेस वो होते हैं जो कैपिटल एसेट्स को बेच के होते हैं. कैपिटल एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट्स, वो तुम्हारी लैंग्वेज के अंदर, ओके. सो देयरफॉर मेरे को जरा बोलो, क्या ये वाला खर्चा, क्या ये वाला लॉस हर साल होता है? नहीं, दिस इज वंस इन बिग टाइम यार, ओके. सच लॉसेस और सच गेन्स, अगर 25,000 रुपए के अंदर बेचा फिर गेन भी हो ही जाता, ओके. सच लॉसेस और सच गेन्स आर कॉल्ड एज कैपिटल लॉसेस और कैपिटल गेन्स. ये वाली भी चीजें हम लोग फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या इनकम्स के अंदर डाल देते हैं. तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल
ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी हो सकता है, ब्ला 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 ब्ला. ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. याद रखना, ये वाली चीजें तुम्हारे कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर ही नहीं आती, ठीक है. ऐसा मैं बोलता था जब तक मैं CA IPCC को सिखाता था. अभी न्यू फॉर्मेट के अंदर ICAA ने इसका ट्रीटमेंट वो बदल दिया है. वो लोग बोलता है कि इंटरेस्ट पेड जो है, आप लोग अब से इसको आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही गिनोगे. ऐसा किसने बोल दिया? ICAA ने. तो फिर मैं इस चीज को निकाल देता हूं. बाकी चीजें अभी भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या इनकम्स. याद रखना, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या इनकम्स तुम्हारे कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर ही नहीं आएगा. कभी भी अगर मिल गया उसको काट डालना बस. ओके, सच थिंग्स आर नॉट रिपोर्टेड इन अकाउंट्स, इन कॉस्ट अकाउंट्स. वाई? एक मिनट, बिकॉज जरा बोलो, अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होता, तुम लोग उसको पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर तो डालते हो ना, लेकिन वो कौन सा अकाउंट है? वो कौन सा अकाउंट है? फाइनेंशियल अकाउंट. तुम लोग मेरे साथ कौन सा अकाउंट सीख रहे हो? कॉस्ट अकाउंट. कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर ये सब चीजें नहीं आती. अभी कोई मेरे को ऐसा बोल सकता है, सर क्यों नहीं आती, आप ये चीजों को भी तो डाल ही सकते हो. तो फिर आई कम बैक टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट का वन ऑफ द बिग ऑब्जेक्टिव्स इज दैट ये सब्जेक्ट ना मेरे को मेरे खर्चे संभालने के लिए हेल्प करता है. द मेन ऑब्जेक्टिव एक कंपनी कॉस्टिंग क्यों फॉलो करती है? ताकि कॉस्ट कंट्रोल हो सके. कॉस्ट कंट्रोल मतलब आई वुड लाइक टू डू समथिंग ताकि मेरे खर्चे ज्यादा ना हो. तो मैं उन्हीं खर्चों के बारे में बात करूंगा जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं. जरा सोचो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इनकम, तो जाने दो. इनकम टैक्स, ये वाला खर्चा कंट्रोल करना मेरे हाथ में नहीं है. मैं कौन हूं? कॉस्ट अकाउंटेंट. ये वाला खर्चा कौन संभालता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो वो उसका काम है. जो खर्चे मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं उनके बारे में बात ही नहीं करूंगा. ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये वाला खर्चा मेरे हाथ में नहीं है. दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम खर्चा. ओके, सपोज तेरे पास एक बिल्डिंग थी, तूने बेच दिया, बहुत सारा प्रॉफिट हो गया. अभी वो जो बहुत सारा प्रॉफिट हुआ बेटा, उसका तेरे बिजनेस से कुछ ताल्लुक नहीं है. तेरा बिजनेस क्या है? गुड्स बना के बेचना. मैं बस उसी के बारे में बात कर रहा हूं. कुछ भी ऑफ बीट होएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. ओके, तो सच एक्सपेंसेस या इनकम्स आर कॉल्ड एज विच एक्सपेंसेस? फाइनेंशियल इनकम्स या एक्सपेंसेस. और ये वाली चीजें कॉस्ट शीट के अंदर नहीं आती. तुम्हारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो खत्म हो गया, लेकिन इस कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के अंदर अभी तक ये वाली चीजें तो नहीं आई ना, मतलब. ओके, तो याद रखना, फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टिल लास्ट क्वेश्चन कभी भी ये चीजें देखो तो बुक के अंदर क्या करने का? कार्ड डालने का. क्योंकि दीज आर विच एक्सपेंसेस? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. दीज आर नॉट एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू योर रोजमर्रा का बिजनेस. ओके, सो सच थिंग्स आर ऑलवेज इग्नोर्ड ओनली. ओके, आप लोग नेक्स्ट पेज पे एक नोट लिखो राइट नाउ. राइट ऑन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और इनकम्स आर नॉट इन हैंड्स ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट. Or they are not concerned with the running of the business. Full stop. Hence, these are excluded from this entire subject. चलो सुनो, अब मेरा काम बस इतना ही है. मेरे को तुमको यही एक चीज वो बताना है, ये कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है. बस ये एक फॉर्मेट है, ठीक है, याद कर लोगे, एवरीथिंग इज फाइन. लेकिन when things are put in this particular way, उस चीज का मतलब क्या होता है, ठीक है. तो अभी बस ये वाली चीज बराबर से सुनना. ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे द फॉर्मेट इज जो तुम्हारी बुक्स के अंदर भी. ऑन राइट हैंड साइड आई एम डूइंग माय एक्सप्लेनेशन, ठीक है. बराबर से सुन, देखो.
इस कॉस्टशीट के अंदर इन ऑल तीन पार्ट्स हैं। यहां तक जो मैंने येलो के अंदर शेड किया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कॉस्टशीट है। फिर उसके बाद मैं दो लाइन वो छोड़ देता हूं, उसके बाद ये जो है पार्ट तुम्हारा, ये तुम्हारा सेकेंड पार्ट ऑफ कॉस्टशीट है। उसके बाद फिर से दो लाइन वो छोड़ देता हूं, और जो उसके बाद वाला पार्ट है ओके COGS till end, ये तुम्हारा थर्ड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट है। ये तीन पार्ट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है सर? मैं स्टार्ट करता हूं। देखो तुम लोगों ने मेरे को एक चीज वो बोला था, सर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टॉक्स इन आर लाइफ। यू हैव इन दिस केस वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, यू हैव थ्री टाइप्स ऑफ स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। तीन तरीके का स्टॉक होते हैं, ठीक है? बचपन से एक चीज सुना होगा, बचपन मतलब 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, ओके उससे पहले तो यू वर नॉट इवन बॉर्न आल्सो, ठीक है? सुन, तो इन दिस केस एवरी स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। आप लोगों ने वो सुना हुआ है कि बोलते नहीं सर इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। ऐसा सुना था तो कोई अकाउंट्स टीचर के मुंह से ही तो वो सुना था। अकाउंट्स टीचर वो वाला चीज क्यों बोलता है, क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर है। याद रखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने तुमको एक एक्सेप्शन दिया। ये जो तुम लोगों ने कभी लाइन भी सुना ना इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर, वो गलत लाइन था एक्चुअली। याद रखना फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। ऑब्वियसली हाउ कैन रॉ मटेरियल स्टॉक बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर? बेटा रॉ मटेरियल बेचने के लिए नहीं होता ना, रॉ मटेरियल तो कंजम्पशन के लिए होता है। तो रॉ मटेरियल स्टॉक इवन इन योर अकाउंट्स इज ऑलवेज वैल्यूड एट व्हाट, योर कॉस्ट। WIP स्टॉक, खुद ब खुद जरा सोचो, मैंने पेन आधा बनाया, कैन वी से आधा बनाया, तो मतलब वो WIP स्टॉक है। हाउ कैन आई वैल्यू आधा पेन एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर? बेटा आधा पेन का मार्केट प्राइस नहीं हो सकता ना, ओके आधा पेन इन दिस पर्टिकुलर केस कोई खरीदेगा क्या तुझसे? नहीं ना, ओके तो याद रखना इवन इन फाइनेंशियल अकाउंट्स रॉ मटेरियल एंड WIP स्टॉक आर ऑलवेज वैल्यूड एट व्हाट, योर कॉस्ट। हाँ फिनिश गुड्स के लिए एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? इट कैन बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस इफ मार्केट प्राइस इज बिलो कॉस्ट। तुमको मालूम था बेटा, बोला करो, तुमको इतना मालूम था? हाँ, so now we all proceed, ठीक है? तो सुनो, लेकिन ना याद रखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओनली अप्लाई टू विच पर्टिकुलर सब्जेक्ट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओनली अप्लाई टू विच सब्जेक्ट? अकाउंट्स। अकाउंट्स बोले तो कौन सा अकाउंट्स? फाइनेंशियल अकाउंट। तुम लोग कौन सा अकाउंट्स कर रहा है? कॉस्ट अकाउंट, ठीक है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो ICAI ने इशू किया वो इधर नहीं आता। तो याद रखना यहां पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो एक सिंपल बात है, स्टॉक विल ऑलवेज गेट वैल्यूड एट व्हाट, यार कॉस्ट। बेटा तेरा स्टॉक है, इट विल गेट वैल्यूड एट योर कॉस्ट, नो यार, कॉमन सेंस है, ठीक है? सो देयरफॉर स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट, बस बात खत्म हो गई, ठीक है? तो रॉ मटेरियल स्टॉक विल ऑल्सो गेट वैल्यूड एट कॉस्ट, WIP स्टॉक विल ऑल्सो गेट वैल्यूड एट कॉस्ट, फिनिश गुड स्टॉक विल ऑल्सो वैल्यूड एट कॉस्ट। लेकिन बस एक ही चीज है जो अपने को समझाने का है तुमको, सर कॉस्ट का मतलब क्या? तूने इतने सारे कॉस्ट तो लिखे, तो कॉस्ट का मतलब कौन कौन सा कॉस्ट? ओके तो सुनो, एक छोटा सा प्रिंसिपल दे रहा हूं जिंदगी भर के लिए याद रखना, दैट विल हेल्प यू। एग्जांपल, सबसे पहले तुम्हारी कॉस्ट शीट के अंदर क्या आया बेटा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। वो कैसे कंप्यूट होता है? ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तुम लोग 11th स्टैंडर्ड से ये करते आए हो, ठीक है? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक विल गिव यू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, वो कॉमन सेंस है, तो चलो ठीक है। तो दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक, ऑब्वियसली दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, दिस इज योर परचेजेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो अभी बराबर से सुन लेना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल शुड गेट वैल्यूड एट कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग लूजली रॉ मटेरियल भी बोल देंगे, ठीक है? बात वही होती है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल ऑलवेज गेट वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब कभी सोचने का नहीं, कॉस्ट का मतलब इसके ऊपर देख लो, जो भी कॉस्ट इसके ऊपर वो वाली कॉस्ट तेरे स्टॉक के अंदर। तुम एक जरा बोलो, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कौन सा कॉस्ट लिखा हुआ है बेटा? परचेस कॉस्ट। तो 11th स्टैंडर्ड से लेके आज तक कोई भी क्वेश्चन याद कर लेना, तुम लोगों ने कभी भी अगर रॉ मटेरियल स्टॉक वैल्यू किया ना, तुम लोगों ने हमेशा उसको परचेस कॉस्ट के ऊपर ही वैल्यू किया। खुद ब खुद जरा सोचो, मैं प्लास्टिक खरीदता है, ठीक है? प्लास्टिक खरीदा पेंस बनाने के लिए, थोड़ा सा प्लास्टिक पेंस के अंदर तो चला गया, बाकी प्लास्टिक मेरे पास पड़ा हुआ है। कैन यू से दैट प्लास्टिक इज माय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? नाउ दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हैज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट। मेरे को जरा बोलो, प्लास्टिक खरीदने के लिए तूने एक ही तो खर्चा किया हुआ है, कौन सा खर्चा बोलो? परचेसिंग का, और कौन सा खर्चा करेगा? सो रॉ मटेरियल स्टॉक विल ऑलवेज गेट वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट? परचेज का। ये चीजें यहां सोच सकते हो, बना कॉस्ट शीट से देख लो, जो भी तुम्हारे स्टॉक के ऊपर
जो भी तुम्हारे स्टॉक के ऊपर वो तुम्हारे स्टॉक के अंदर, बस द स्टोरी इज ओवर. ओके, सो देयरफॉर रॉ मटेरियल स्टॉक विल ऑलवेज गेट वैल्यूड एट कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट बेटा? परचेज कॉस्ट. तो मैं यहां पे लिख देता हूं, रॉ मटेरियल स्टॉक विल ऑलवेज गेट वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट. ओके, सो सुनो, इसका एक एग्जांपल देता हूं. इन दिस केस सपोज मेरे पास 10 किलो ऑफ रॉ मटेरियल था, ठीक है, वैल्यूड एट द रेट ऑफ रुपीज 2, तो ये कितना हो गया 20, ठीक है. मैंने ना 100 किलो और खरीदा एट द रेट ऑफ रुपीज 3, तो कितना हो गया 300. अभी 10 किलो शुरू में पड़ा हुआ था, मैंने 100 किलो और खरीदा, टोटल कितना हो गया बेटा 110. ठीक, रॉ मटेरियल कंज्यूम करता गया, साल के एंड में मेरे पास अभी भी 5 किलो पड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज 5 किलो ऑफ रॉ मटेरियल. वैसे तुमको पूछ रहा हूं तो इसका मतलब क्या होएगा कि मैंने 105 किलो ऑफ रॉ मटेरियल यूज कर लिया ना, शुरू में 10 था, 100 और खरीदा, एंड में कितना पड़ा हुआ है 5. सबको समझ में आता है ना, तो कितना किलो कंज्यूम वो कर लिया 105, ठीक है. अगर वो कभी डाउट आए खुद के ऊपर कि बराबर सोचते हो कि नहीं, जब ये वाला साल स्टार्ट हुआ तुम्हारे घर में 10 किलो ऑफ चीनी पड़ा हुआ था, इस पूरे साल के अंदर तूने देखा कि तूने 100 किलो और खरीदा है, एंड के अंदर 5 किलो शुगर अभी भी पड़ा हुआ, उसका मतलब क्या है 105 किलो गया ना तेरे पेट के अंदर. ओके, तो ऑब्वियसली जो पेट के अंदर गया देयर इज कंजम्पशन ओनली नो. ओके, तुमको समझ में आता है. अच्छा, अभी आगे चलेगा तो सुनो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दिस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हैज टू गेट वैल्यूड एट कॉस्ट. बस, तो 5 किलो हैज टू गेट वैल्यूड एट कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट बेटा? परचेज कॉस्ट. तो कोई बोलता है सर मतलब आप इधर 3 रुपीज लिखोगे ना, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब चिल्ला के बोलो कौन सा कॉस्ट? परचेज कॉस्ट. तो बोलते सर परचेज कॉस्ट तो 3 रुपीज है. नहीं बेटा, परचेज कॉस्ट 3 रुपीज भी है, 2 रुपीज भी है, शायद एक फर्क है. 2 रुपीज इज परचेज कॉस्ट ऑफ बोलो लास्ट ईयर, 3 रुपीज इज परचेज कॉस्ट ऑफ दिस ईयर. नाउ वेदर इट विल गेट वैल्यूड एट 2 और 3 वो अलग ही स्टोरी है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मेथड. फीफो लीफो यू हैव डन नो. ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन द मेथड. लेकिन चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे कोई और नंबर भी हो, बट ऑल दोस थिंग्स आर रिप्रेजेंटिंग विच कॉस्ट यार? परचेज कॉस्ट. सो रॉ मटेरियल स्टॉक ऑलवेज गेट्स वैल्यूड एट कॉस्ट. विच कॉस्ट? परचेज का. क्यों बोलते सर मतलब बताओ ना, 2 रुपीज के ऊपर के 3 रुपीज के ऊपर? मैं नहीं बताऊंगा तो तुम लोग मेरे को बताओ. यू वॉन्ट टू फॉलो विच मेथड, सो टेल मी विच मेथड यू लाइक टू फॉलो. तो कुछ भी एक मेथड का नाम बोलो. फीफो, तो चलो ठीक है, जो दुनिया में पहले आया वो दुनिया से पहले गया. ओके, तो मेरे को बोलो पहले क्या आया, पहले 10 किलो आया कि 100 किलो आया? तो जो पहले आया वो पहले चला गया. कैन वी से तो 10 किलो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया. कैन वी से 5 किलो विल बी आउट ऑफ दिस? अगर ऐसा बोलेगा तो क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट व्हाट रेट यार? 3. सबको समझ में आता है? अगर लीफो मेथड वो बोलेगा तो दो जो दुनिया में बाद में आता है वो दुनिया से पहले आता है. तुम लोग कौन से साल में पैदा हुआ था? 2000. मैं 1980 में पैदा हुआ था, तो पहले ऊपर कौन जाएगा? तो तुम लोग ऊपर जाएगा. ओके, इट इज लीफो मेथड नाउ. ओके, सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस जो बाद में आया वो पहले जाएगा. कैन वी से अगर ऐसा होएगा तो 5 किलो विल बी आउट ऑफ दिस? नो. तो अगर ऐसा होएगा इट विल गेट वैल्यूड एट व्हाट रेट? 2. वरना कोई ऐसे बोल सकते हैं सर वेटेड एवरेज भी मेरे को सिखाया था, बहुत सॉलिड मेथड था. तो चलो ठीक है, अगर वैसे करने का मन है तो पहले तुम लोग को वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा. तुम लोग को याद आता है? अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने का है तो बेटा मैं यहां पर एक लाइन फिर इंसर्ट करता हूं. एक मिनट, ये रब करता हूं, इंसर्ट नहीं हो रहा. तो इन दिस पर्टिकुलर केस तो पहले मेरे को वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा. वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे मिलता है? टोटल दी अमाउंट्स कितना हो जाएगा? 230. टोटल दी, सॉरी पागल हो गया, तो दिस विल बी 320. ये वाला जो टोटल है कितना हो जाएगा बेटा? 110. तो दिस अपॉन दिस विल गिव यू वेटेड एवरेज. नो, तुम लोगों ने कैलसी भी नहीं निकाला हुआ, तो रुको जरा प्लीज. 320 डिवाइडेड बाय 110, अभी वो जाने दो, वो हो ही गया. सो दिस विल बी 2.90. बस काम खत्म हो गया. तेरे पास अभी क्लोजिंग स्टॉक कितने किलो का था? 5. सो 5 किलो विल गेट वैल्यूड एट व्हाट रेट यार? 2.9. सी वेदर इट गेट्स वैल्यूड एट 2 और 3 और एनी थिंग इन मिडल, ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट विच कॉस्ट? बॉस, परचेज कॉस्ट. सो रॉ मटेरियल स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट हो गया? परचेज कॉस्ट. ठीक है, माई वन थिंग इज ऑल फिनिश. ठीक है, तो रॉ मटेरियल स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब परचेज कॉस्ट. ठीक है, अभी सेकेंड WIP स्टॉक भी तो आएगा. मैं क्या बोलता हूँ, कॉस्ट शीट इज बाप ऑफ एवरीथिंग. कॉस्ट शीट टीचेज यू एवरीथिंग इन अ वेरी ग्रेट वे. जरा सोचो,
WIP स्टॉक तुम्हारा इधर है, ठीक है, WIP स्टॉक इधर है, WIP स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब उसके ऊपर देख लो, मेरे को बोलो मैंने उसके ऊपर चार खर्चे लिखे हुए हैं, देखकर चार खर्चों का नाम बोलो, WIP स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर चार खर्चे आएंगे, बोलो कौन से चार, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स. सो WIP स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, उसके अंदर DM आ जाएगा, DL आ जाएगा, DE आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, फैक्ट्री ओवर. ये चीजें सोच सकते हो, वरना कॉमन सेंस भी है, जरा तू सोच, मैं पेन बनाता है, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना ही पेन बनाया, सिर्फ इतना ही पेन बनाया, बाकी पेन मैंने नहीं बनाया. दिस हाफ पेन इज माई WIP स्टॉक, नो WIP का मतलब क्या होता है, हाँ ब्रिलियंट, लेकिन उसका नॉर्मल मतलब क्या होता है, वो तुम्हारा प्रोडक्ट अभी तक नहीं है, वो आधा अधूरा प्रोडक्ट है. तो जरा सोच, दिस आधा अधूरा प्रोडक्ट विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट, नो एक मिनट, कॉस्ट का मतलब बेटा तूने तो खर्चा किया, तो सोच ले इस आधे अधूरे पेन को बनाने के लिए तूने क्या क्या खर्चा किया रहेगा, कुछ और खर्चा किया हो या ना किया हो, तूने मटेरियल का खर्चा तो किया रहेगा, को बोलते सर वो भी नहीं किया तो पागल तेरे को दिखाई कैसे देता है, ओके प्रोडक्ट के अंदर मटेरियल होगा तो ही दिखाई देगा ना यार, तो ऑब्वियसली इस आधे पेन के लिए कुछ और खर्चा किया हो या ना किया हो, मटेरियल का खर्चा तो किया रहेगा. इन कैन बी से आधा पेन भी जो बनाया वो भी वर्कर नहीं बनाया ना, पूरा पेन भी वर्कर ही बनाएगा, आधा पेन भी तो वर्कर ही बनाएगा. ये चीजें आप सोचते रहो, वरना कॉस्ट शीट से डायरेक्टली पता चल जाता है, WIP स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर कौन से खर्चे आएंगे जो उसके ऊपर है, उसके ऊपर कौन से खर्चे हैं, देख के बोलो अभी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, काम खत्म हो गया, ठीक है. तो WIP स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर DM, DL, DE एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है. लास्ट वाला मेरा पोपट मत करना, मेरे को बराबर से बोलना, फिनिश गुड स्टॉक इधर है ना, किधर ना किधर, ओके, फिनिश गुड स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट. बेटा कॉस्ट के अंदर अपनी कॉस्ट शीट देखो, अपनी कॉस्ट शीट देखो, मेरे को बोलो फिनिश गुड्स विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर मेरे को बोलो कितने खर्चे आएंगे, पहले काउंट कर लो कितने खर्चे आएंगे बेटा, पांच, तो अभी नाम बोलना स्टार्ट करो, बोलो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड लास्टली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, ओके. तो दीज फाइव एक्सपेंस विल बी कमिंग एज सच, ओके, दिस इज नथिंग बट वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओके. तो बेसिकली क्या है, एवरी स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, ओके, मैं और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर कॉस्टिंग के अंदर जिंदगी में नहीं बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकता, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ऐसा क्यों नहीं बोल सकता, ऐसा किसने बोला हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने वो बनाए थे, ICAI ने, तुम लोग अभी ICAI नहीं कर रहे हो, तुम लोग अभी, हाँ, तो इन एनी पर्टिकुलर केस आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो फॉर अस स्टॉक विल ऑलवेज गेट वैल्यूड एट कॉस्ट, ओके, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर कौन कौन सा कॉस्ट आएगा वो यही वाला चीज है, ठीक है, लिखो जरा प्लीज, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स इन कॉस्टिंग. ये कॉपी कर लो, दो सेम थिंग्स आई हैव रिटन ओवर हियर आल्सो, ठीक है, ये वाला अपना काम हो गया. सुनो, मेरे को ना तुमको कॉस्ट शीट जो है वो दो एंगल से समझाने का था, एक वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वो मैंने कट डाला, अभी दूसरा वाला, ये ट्रिकी चीज है, लेकिन अगर तुम लोग ये वाली चीज अच्छे तरीके से आंसर कर पाए ना, तो शायद तुमको वो वाला चीज भी आ जाएगा, वो इसी का उल्टा इंटरप्रिटेशन है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है,
बराबर से जरा देखना, देखो ये जो येलो वाला पार्ट है, ये जो पूरा का पूरा येलो वाला पार्ट है, मैं उधर एक ब्रैकेट डाल रहा है, ग्रीन वाला पार्ट है उधर एक और ब्रैकेट डाल रहा है, और उसके बाद एंड तक यहां से लेके यहां तक एक और ब्रैकेट डाल रहा है, तो ये वाला भी जो पार्ट है ये इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये तीन पार्ट्स क्यों? अभी अक्ल यूज करना, जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसका आंसर यू ऑल नो, बस तुमको अक्ल यूज करके उसका आंसर वो देने का है। जरा देखो, कौन से चार खर्चे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आए? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, सोच समझ के बोलना, ये वाले खर्चे करके, अलग वर्ड्स के ना पूछता हूं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा करके, मेरे को बोलो तुम लोग क्या बनाते हो, मेरे को दो चीजों का नाम देना। मेरे को बोलो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम होके क्या बन जाता है, डायरेक्ट मटेरियल किधर किधर होएगा? मैं सेम चीज तुमको तीन बार पूछ लिया, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा करके क्या क्या बनता है? डायरेक्ट मटेरियल, बेटा रॉ मटेरियल का खर्चा करके रॉ मटेरियल नहीं बन सकता ना, ओके, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा करके मेरे को बोलो क्या क्या बनता है, क्या क्या बनता है? तुमको दो चीजें बोलनी चाहिए, बोलो, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। अभी अभी वही लिखा ना बेटा, अभी अभी जो तुम लोगों ने लिखा, इनफैक्ट मैंने वही पूछा तुमसे, तुमको शायद वो समझ में नहीं आया, जरा सोचो। डायरेक्ट मटेरियल तेरे WIP के अंदर भी तो होता है, बराबर ना, रॉ मटेरियल तुम्हारे फिनिश गुड्स के अंदर भी तो होता है, तो मैंने अभी अभी वही तो तुमको पूछा, मतलब डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा दो चीजों के लिए होता है, कौन सी दो चीजों को बनाने के लिए होता है? वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। यही चीज है, यहां सोचते रहो वरना कॉस्ट शीट टीचेस यू एवरीथिंग। जरा सोचो, ऑल दीज फिगर्स इन येलो आर रिटन अबव WIP, मतलब दे आर ऑल्सो इनकर्ड फॉर WIP, नो? तुमको समझ में आता है? मैं पहले भी तुमको वही बोला था, WIP स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब इसके ऊपर देख लो, तो WIP के अंदर चार खर्चे गए थे, कौन से चार खर्चे? DM, DL, DE, फैक्ट्री, मतलब ये सारी चीजों का खर्चा WIP के लिए भी तो होता ही है ना यार। सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर इनकर्ड फॉर मेकिंग टू थिंग्स, विच टू थिंग्स? बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP, आगे बोलो, प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, ये जो चारों चीजें हैं दे कम इन द फर्स्ट ब्रैकेट। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर यू आर राइटिंग ऑल द खर्चास फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड WIP। अब मैं तुमको नंबर्स के साथ बोलता हूं ताकि तुम लोग को स्ट्राइक हो जो मैं तुम लोग को बोलने वाला, ये रब कर रहा हूं, ठीक है, ये सब चीजें रब कर रहा हूं, इसके बारे में कुछ नंबर्स लिखता हूं। मैंने 100,000 रुपया का रॉ मटेरियल का खर्चा किया फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, और 10,000 रुपया का खर्चा किया, एक मिनट, नंबर्स क्लियर नहीं है, हाँ, तो 1,00,000 रुपीज का खर्चा किया फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स और 0.1 लाख का खर्चा किया फॉर मेकिंग WIP। अगर कोई मेरे को ये पूछेगा तुम्हारा इस साल का रॉ मटेरियल कंजम्पशन का खर्चा कितना था, तो मेरे को बोलो मैं क्या आंसर देगा? सर माय खर्चा इज इनकर्ड नॉट ओनली फॉर फिनिश गुड्स, आगे बोलो, माय रॉ मटेरियल कॉस्ट इज नॉट ओनली इनकर्ड फॉर फिनिश गुड्स, इज ऑल्सो इनकर्ड फॉर, तो मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितने रुपीज का हुआ? 1,00,000। WIP बनाने के लिए कितने रुपीज का हुआ? 0.1। तो मेरा टोटली रॉ मटेरियल कंजम्पशन का खर्चा कितने रुपीज का हुआ? 1,10,000। तो अगर मेरे को एक ही नंबर लिखने का होगा तो आई विल राइट डाउन ओवर हियर, दिस विल बी 1.1 लाख। ठीक है, मैंने 200,000 रुपया वर्कर्स को दिया फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, मैंने 20,000 रुपीज वर्कर्स को दिया फॉर मेकिंग WIP। अगर कोई मेरे को पूछेगा मतलब तेरा टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन का खर्चा कितना हुआ, तो मेरे को बोलो मैं क्या बोलेगा बेटा? 2.2 लाख, सपोज डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं था। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 लाख प्लस 0.3 लाख इज इक्वल टू कितना? 3.3 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड्स, 400,000 रुपए का खर्चा हुआ फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, 0.4 लाख रुपीज का खर्चा हुआ फॉर मेकिंग WIP। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा? 4.4 लाख। तो अब जरा सोचना, इट विल स्टार्ट टू मेक सेंस टू यू। मतलब अगर कोई मेरे को कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोलता तो मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितने रुपीज का आ जाता? 7.7 लाख। मेरे को बोलो 7.7 लाख का खर्चा करके तू दो चीज बनाता है, क्या दो चीज बनाता है? ब्रिलियंट, अभी नेक्स्ट जवाब देना, उसी के लिए सारी स्टोरी बनाई, गलत मत बोलना।
सपोज ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी नहीं था, ठीक है, सपोज ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी नहीं था, तो मैंने निल लिख डाला, ठीक है. दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी. अभी बराबर से मेरे को जरा बोलना, मेरे को बोलो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट. मेरे को बस एक नंबर बोल दो, मेरे को बोलो डब्ल्यू आई पी स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट. मैं इधर क्या नंबर लिखूं? डब्ल्यू आई पी स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट. मेरे को बोलो इधर ये टिक के बदले में क्या नंबर लिखूं? बोलो 0.7 lakhs. नो, तूने डब्ल्यू आई पी के ऊपर, पागल, तूने डब्ल्यू आई पी के ऊपर कितने रुपीज का खर्चा किया अभी तक बेटा? वैल्यूड एट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट निकाल और क्या. तो डब्ल्यू आई पी स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट. मेरे को बोलो डब्ल्यू आई पी के ऊपर कितने रुपीज का खर्चा किया? 10,000 रुपए का मटीरियल, आगे बोलो 20,000 रुपए का लेबर, आगे बोलो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं था, आगे बोलो 40,000 रुपीज का फैक्ट्री वर्क. तो इन ऑल बेटा तूने कितना खर्चा किया? 0.7 lakh. तुमको समझ में आता है? तुम लोगों ने यहां पर भी तो वही लिखाना यार. सर डब्ल्यू आई पी स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट. कॉस्ट के अंदर कौन कौन से कॉस्ट आएंगे? डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री. तुमको समझ में आता है? अच्छा तो अभी फिर आगे चलते हैं. तो एक मिनट. अब मेरे को एक सॉलिड क्वेश्चन का आंसर देना, सॉलिड क्वेश्चन का. सुनो, ये तुम्हारा सेकेंड ब्रैकेट था जो इरेज हो गया था. ओके, मैं उसको वापस लेकर आ रहा है. कैन वी से फिर से रब हो गया, सॉरी. नाउ कैन वी से इन दिस पर्टिकुलर केस 7.7 lakhs के अंदर से 0.7 तो इधर अटक गया. तो अब जरा सोच, ये जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट है, अगर मैं नंबर्स डालता तो कितने रुपीज का आता? 7 lakh. बराबर से बोलना अभी, मेरे को बोलो 7 lakhs इज ओनली द खर्चा इनकर्ड फॉर फिनिश गुड्स, क्योंकि डब्ल्यू आई पी का खर्चा तो ऊपर अटक गया ना. तुमको समझा जो मैं बोलता है? तो एक मिनट, तेरी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, मैंने ब्रैकेट्स को अलग अलग क्यों किया बेटा? तेरी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर यू आर राइटिंग ऑल द खर्चास फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, आगे बोलो ना, एंड वर्क इन प्रोग्रेस. तू वहां पे खर्चे लिख रहा है किन दो चीजों को बनाने के लिए? फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यू आई पी. लेकिन यहां पर जो भी डब्ल्यू आई पी के ऊपर खर्चा था वो तो निकल गया. तो उसके बाद इसके नीचे सिर्फ कौन सा खर्चा फ्लो होएगा? फिनिश गुड्स का. समझ में आता है? तो सेकेंड ब्रैकेट विल ओनली शो द खर्चा विच इज इनकर्ड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स. एंड कैन वी से जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला जो खर्चा है ये सेकेंड ब्रैकेट के अंदर ही आ रहा है ना. तो दिस खर्चा इज ओनली इनकर्ड फॉर व्हाट यार? मेकिंग फिनिश गुड्स. इट इज नॉट इनकर्ड फॉर डब्ल्यू आई पी. इट इज रिटन बिलो डब्ल्यू आई पी. नो, इफ इट इज रिटन बिलो डब्ल्यू आई पी, हाउ इट विल बी इनकर्ड फॉर डब्ल्यू आई पी? सबको समझ में आ गया? ओके, तो दिस इज योर सेकंड स्टेप ओवर हियर. दीज फोर एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यू आई पी, बट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री इज ओनली इनकर्ड फॉर व्हाट? बोलो, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स. ठीक है, अभी उसके बाद लास्ट दो चीजें बच गई. सुनो, अब ये वाला जो पार्ट है, मेरी सेकंड ब्रैकेट का काम भी ऑलमोस्ट वो खत्म हो गया. ठीक है, सुनो, इन दिस केस नो, बराबर से सुनना. अभी यहां तक तू खर्चे लिख रहा था फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, तूने इसके ना एक और खर्चा इंक्लूड कर दिया. तो अभी तुम लोग कहां तक पहुंच गए बेटा? सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक. ठीक है, अभी कुछ और नंबर्स लिखता हूं. ठीक है, बराबर से देखना, ब्लू कलर के अंदर लिखता हूं. सपोज तुम लोगों ने 1,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाया. ठीक है, 1,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने से 1,000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाया. याद रखना, जब मैं यहां तक पहुंचता हूं, मैं डब्ल्यू आई पी के बारे में तो बात भी नहीं करेगा. डब्ल्यू आई पी तो ऊपर चला गया ना यार. अभी सिर्फ किस चीज के बारे में बात कर सकता है? फिनिश. तो मैंने 1,000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाया. ठीक है, उसका कॉस्ट इधर है, वो जितना भी नंबर है. ठीक है, आगे बराबर से सुनना. जब ये वाला साल स्टार्ट हुआ था ना, मेरे पास 100 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स पहले से ही पड़ा हुआ था. ठीक है, तो एक मिनट, शुरू में कितना यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स था? 100, और कितना बनाया? 1,000. टोटल कितना हो गया? 1,100. सपोज साल खत्म हुआ ना, अभी भी 50 यूनिट अपने पास पड़ा हुआ था. तो मैं फिर से पूछता है, शुरू में कितना था? 100, और कितना बनाया? 1,000. टोटल कितना हो गया? 1,100. एंड के अंदर अपने पास अभी भी 50 यूनिट वो पड़ा हुआ है. मतलब मेरे को बोलो, बाकी 1,050 के लिए क्या कर डाला? सेल्स का डाला. इसलिए देखो मैंने यहां पे क्या लिखा, इसका फुल फॉर्म बोलो सब लोग चिल्ला के.
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ऑब्वियसली यहां तक बेटा वही वाला कॉस्ट रहेगा विच इज इनकर्ड फॉर दोज गुड्स विच आर सोल्ड. तुमको समझ में आता है? एक मिनट मेरे को बोलो. पहली ब्रैकेट के अंदर यू आर राइटिंग द खर्चा दैट वॉज इनकर्ड फॉर डूइंग टू थिंग्स. विच टू थिंग्स बोलो? मेकिंग फिनिश गुड्स एंड WIP. उसके बाद क्या हुआ? WIP का खर्चा तो इधर अटक गया, तो उसके बाद नीचे कौन सा खर्चा गया? विच इज ओनली इनकर्ड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स. अभी क्या हुआ? इतना खर्चा करके तूने फिनिश गुड्स बनाया, लेकिन अब मेरे को वो वाला कॉस्ट नहीं चाहिए. मेरे को कौन सा कॉस्ट चाहिए? कि उन गुड्स का कॉस्ट क्या है जो बिक गए. तुमको समझ में आता है? तो ऑब्वियसली जो गुड्स नहीं बिके उसका कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना यार. तो इसलिए मैंने क्या लेस कर डाला? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. समझ में आता है? बस दिस इज नाउ माय लास्ट ब्रैकेट. और अब तुमको समझ में आएगा सर, COGS ऑनवर्ड्स एवरीथिंग विल बी डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी सोल्ड ओनली. कॉमन सेंस है. जरा सोचो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कब होता है? व्हेनेवर यू सेल. बेटा सेल्स क्यों होता है? बिकॉज यू सेल. सर जिंदगी में प्रॉफिट क्यों मिलता है? बिकॉज वी सेल. दिस इज योर लास्ट ब्रैकेट जहां पे एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन विच क्वांटिटी, क्वांटिटी सोल्ड. तो पूरे कौशिक के ना तीन ब्रैकेट था. और अगर सोचते रहोगे तो तुमको सॉलिड वो समझ में आएगा और जिंदगी में तो वो भूलेगा नहीं. शुरू में इन द फर्स्ट ब्रैकेट आई वॉज राइटिंग ऑल द खर्चास फॉर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस WIP. इसके ना कौन कौन से चार खर्चे आए थे? DM, DL, DE एंड FOH. ठीक है. उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने WIP स्टॉक एडजस्ट कर डाला. ये तेरा पहला वाला ब्रैकेट था. ठीक है. उसके बाद मैंने WIP स्टॉक एडजस्ट कर डाला. तो मेरे को जरा बोलो, जो भी नीचे खर्चा गया दैट वॉज ओनली इनकर्ड फॉर वॉट यार? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स. सबको समझा? अच्छा, इसके बाद मैंने एक वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वाला भी खर्चा इंक्लूड कर डाला. चलो वो ठीक है. लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया? जो भी गुड्स नहीं बिके उसका कॉस्ट इधर एडजस्ट कर डाला. तो ऑब्वियसली उसके बाद नीचे कौन सा कॉस्ट गया बेटा? कॉस्ट दैट इज इनकर्ड फॉर क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स. सबको समझ में आता है? तो तुम्हारी कॉस्ट शीट के ये वाले तीन पार्ट्स हैं. अभी मेरे साथ ना ये तीन पार्ट्स को एक ब्रैकेट अच्छे तरीके से बनाना सब लोग. ओके, तो अभी उस कॉस्ट शीट पे आओ दैट यू ऑल हैव मेड. तो यहां से लेके यहां तक ऐसा एक ब्रैकेट बनाओ ऑन द राइट हैंड साइड. अच्छा, ये तुम्हारा फर्स्ट ब्रैकेट. ठीक है. उसके बाद यहां से लेके यहां तक सेकेंड ब्रैकेट, जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट से स्टार्ट होता है और COP पर खत्म होता है. और उसके बाद COGS से लेके एंड तक. सुनो, अभी कुछ मोटा तगड़ा फॉन्ट यूज करो. यहां पे 1 लिखना, यहां पे 2 लिखना और यहां पे 3 लिखना. तीन पार्ट्स. चलो, अभी जो लास्ट नोट वो लिखा था नेक्स्ट पेज पे, उधर आ जाओ और उसके बाद जरा लिखो 3 पार्ट्स ऑफ कॉस्ट शीट. राइट डाउन 3 पार्ट्स ऑफ कॉस्ट शीट. नेक्स्ट लाइन पे लिखना फर्स्ट डैश. In this first part, we write down all the expenses
which are incurred for producing finished goods and producing WIP. Underline karna, producing finished goods and producing WIP. Producing finished goods and producing WIP ko underline karo. Full stop. Four expenses are covered in this part. Write on dash DM, comma DL, comma DE and factory overheads. Write on second. Dash. In this second part, we only write down the expenses which are incurred for making finished goods only. Full stop. Only expense covered is administration overheads for administration of factory. Third, in this last part, dash, only the expenses, only the expenses which are incurred for quantity sold are written. Full stop. Besides sales and profit are also written. Full stop. Last line, general administration and S&D are covered here. General administration and S&D are covered here. चलो सुनो, आप लोग क्या करने वाले हो, लीव फोर साइड्स, क्योंकि बहुत सारा थ्योरी, आई वुड नॉट लाइक टू डू इट टुगेदर. हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देन वी विल कम बैक टू इट. फोर साइड्स यू ऑल कैन लीव.
क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करेंगे. आप लोग कैलसीज अपने पास रखो, सब लोग कैलसीज अपने पास प्लीज रख लेना. आप लोग पेज नंबर 6.4 पे आ रहे हो. चलो पढ़ो प्लीज. द फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्स. ओके, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 48,000, डायरेक्ट वेजेस 40,000, वर्क्स ऑन कॉस्ट, उसका मतलब ही क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. आगे जोर से पढ़ो क्या लिखा है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन. ठीक है, मेरे को जरा बोलो ये वाला आइटम तुम्हारी कॉस्ट शीट में ऊपर आता है कि नीचे आता है. बेटा एडमिनिस्ट्रेशन दो बार आता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे. मेरे को बोलो ये ऊपर वाला आइटम है कि नीचे वाला आइटम है. कॉस्ट शीट देख के बोल दो, तुम्हारे पास है कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट देख के बोल दो. 5 मिनट पहले किया था. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इन रिलेशन टू प्रोडक्शन ऊपर आता है कि नीचे आता है. नीचे कौन सा एडमिन आता है, नीचे कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन आता है, नीचे नीचे नीचे. That is the general admin. एक मिनट मेरे को इसका एक एग्जाम्पल दो, जनरल एडमिन का एक एग्जाम्पल दो, ऑफिस के खर्चे. तो मेरे को फिर इसका भी एक एग्जाम्पल, ये रब हो गया था. हाँ तो दिस इज ऑफिस, मेरे को इसका एक एग्जाम्पल दो, इसका एक एग्जाम्पल दो. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, मैनेजर का सैलरी, वो लोग जो फैक्ट्री को मैनेज करता है. मेरे को फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक एग्जाम्पल दो, फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ब्ला 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 ब्ला. लेट अस कंटिन्यू, पढ़ो आगे. सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स 1,20,000. ठीक है, स्टॉक एज ऑन 1/4/2018 ऑफ रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स का देखो क्वांटिटी कितना है, 1,600 क्विंटल्स. आगे स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019 ऑफ रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट नहीं दिया, क्वांटिटी दिया 3200. आगे एडवर्टाइजमेंट डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट इज 0.40 पर क्विंटल. चलो ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 25,600 क्विंटल्स ऑफ एक्स वर प्रोड्यूस्ड. प्रिपेयर कॉस्ट शीट, ऑल्सो शो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एक्स इफ कंपनी फॉलोड वेटेड एवरेज एंड लीफो मेथड. चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर लेंगे. मेरे को जरा बोलो यहां पर तुम लोग कौन सा प्रोडक्ट बनाते हो, उसका नाम बताओ. प्रोडक्ट एक्स. यार ना रॉ मटेरियल का नाम अलग अलग हो सकता है, फिनिश गुड्स का भी नाम अलग अलग. बेटा एक्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल ABC वगैरह की भी जरूरत तो पड़ी सकती है ना. यहाँ पे उन लोगों ने रॉ मटेरियल का नाम नहीं दिया, ओके, लेकिन फिनिश गुड्स का नाम दिया है, दैट इज एक्स एज सच. ओके, अपन लोग स्टार्ट करेगा, लिखो जरा प्लीज, राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर वन, राइट डाउन कॉस्ट शीट फॉर अच्छा सुनो, सम पढ़ लेने का. कई बार डेटा ईयर के लिए होता है, कई बार डेटा मंथ के लिए होता है. तुम लोग ये वाला सम पढ़ो, मेरे को बोलो यहां पे डेटा एक साल का है, एक मंथ का है, कुछ ना कुछ तो बताना. कैसे पता चला, स्टॉक आपको यहां पर ऑन 1/4/2018 दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग किस डेट का था, 31 मार्च. तो एक साल का डेटा है ना ये, ओके. तो यहां पे लिख के रखने का, कॉस्ट शीट फॉर ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च 2019. नेक्स्ट हैंड पे लिखो quantity produced of finished goods, that is X, is equal to dash units, quantity sold of finished goods, that is X, is equal to dash units.
अच्छा पहले जरा पूरा का पूरा सम पढ़ो इन दोनों के अंदर से दोनों फिगर्स तो शायद नहीं है लेकिन दोनों में से एक फिगर है मेरे को बोलो वो फिगर कौन सा है और कितना है कितना यूनिट्स ऑफ एक्स बनाया या कितना यूनिट्स ऑफ एक्स बेचा क्वांटिटी प्रोड्यूस बेटा वो कितना है 25,600 देखो कितना किधर नीचे वो दिया हुआ है ना ड्यूरिंग द ईयर 25,600 क्विंटल्स ऑफ एक्स वर प्रोड्यूस तो यहां पे लिख सकते हो 25,600 या यूनिट्स लिख सकते हो आगे चाहो तो ऐसा क्विंटल्स भी लिख सकते हो तुम्हारी मर्जी क्वांटिटी सोल्ड वो देखेंगे बाद में चलो यहां पे लिखो पर्टिकुलर्स एक टोटल के लिए थोड़ा सा बड़ा कॉलम पर यूनिट लाइंस बनाओ अपने चलो एक अपना ये वाला डेटा बाकी है वो देख लेंगे ठीक है एटलीस्ट सम तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वांटिटी प्रोड्यूस तो है अपने पास तो यहां पे सबसे पहले जरा लिखिए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम राइट ऑन ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक अभी सम पढ़ना स्टार्ट करो मेरे को बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बेटा कितने रुपीस का था 8,000 यहां पे इनर कॉलम में लिख लेने का 8,000 अच्छा परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल बेटा कितने रुपीस का हुआ 48,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने रुपीस का था 6,800 जिंदगी में कई चीजों के लिए तुम लोग कैलसी यूज करना बंद कर दोगे ओके योर माइंड्स ब्लेड डोंट गेट डेवलप बिकॉज एवरीथिंग यू डू ऑन कैलसी ओनली 48,000 बेटा 8,000 और 6,800 को सब्ट्रैक करेगा तो कितना हो जाता है 1200 48,000 प्लस 1200 कई चीजें तो डायरेक्टली भी कर सकते हो 49,200 इज ओके वेदर यू आर गुड इन मैथ्स और नॉट इतना तो कर ही सकते हो अच्छा ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल अभी आगे लिखो डायरेक्ट लेबर को कई लोग डायरेक्ट वेजेस भी बोल देते हैं इट इज द सेम डैम थिंग ओके तो टेक्स्ट बुक जरा देखो डायरेक्ट वेजेस बेटा कितने रुपीस का था 40,000 और सुनो अगर कई चीजें है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर तो लिखने का ही नहीं डायरेक्ट एक्सपेंसेस जरा देखो क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं अभी नहीं है तो लिखना ही मत फिर ओके तो यहां पर डायरेक्टली अभी टोटल मार देना लिखो प्राइम कॉस्ट
नेक्स्ट टाइम से ट्राई करना, नॉट कंपल्सरी ओके, लेकिन जो भी तुम्हारे टोटल्स के हेड होते हैं लाइक प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, वो राइट हैंड साइड पे तो वो लिखा करो, वो राइट अलाइन वो क्या करो, और ये जो हेड्स होते हैं ये लेफ्ट अलाइन वो क्या, तुमको राइट अलाइन समझा जो मैंने बोला, मतलब समझा ना सबको, वो राइट हैंड तरफ तो वो लिखा करो और ये जो चीजें होती हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया करो, इट्स ऑलवेज बेटर, इट लुक्स ऑल्सो बेटर ओके। तो यहाँ पे 89,200 एंड मैं बोलो प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो लिखेंगे फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब वर्क्स ऑन कॉस्ट, समके ना वही वर्ड्स लिखा हुआ है, कितने रुपीस का बेटा 16,800। टोटल करो, इसको हम लोग बोलता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ मच मोर देन द कैलसी, यू विल ऑलवेज डू इट राइट, कैलसी माई डू इट रॉन्ग, थिंक लाइक दैट ओनली ऑलवेज। चलो ये वाला काम हो गया, उसके बाद एक मिनट, इसके बाद कॉस्ट शीट के अंदर क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है, बोलो, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी, सम के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी 1920, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी कितना था बेटा 6400। जब भी कैलसी चाहिए तभी यूज करो हाँ प्लीज, दैट्स ओके, डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ बियॉन्ड अ सर्टेन लाइफ ऑल्सो। तो ये तेरे को बेटा जी क्या दे देता है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, एंड यहां पे भी कौन सा एक्सपेंस ऐड होता है, कौन सा एडमिन, जनरल वाला कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वाला, वो लंबा वाला ओके, नाउ वी विल कॉल दैट थिंग एज लंबा वाला ओके, तो लंबा वाला के छोटा वाला, लंबा वाला, तो लिखो एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, देखो टेक्स्ट बुक ने लिखा हुआ था बॉस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, आगे ब्रैकेट के अंदर क्या पढ़ा था तुम लोगों ने, Related to production, so therefore यहां पे 3200। बेटा अभी आगे चलने से पहले ना अपने को यहाँ पे काफी सारे काम करने पड़ेंगे ओके, तो सुनो इनमें से कौन सी चीजें तुम्हारी फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट के अंदर आती हैं, तुम लोगों ने तीन पार्ट बनाए थे ना कॉस्ट शीट के, यहां से लेके यहां तक इट इज योर फर्स्ट पार्ट, यहां से लेके यहां तक इट इज योर सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट तो चलो अभी तक आना ही बाकी है ठीक है। मैं क्या बोलता हूं अपना जरा फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट का नोट पढ़ो, जो पिछले पेज पे मैंने वो लिखा था, बराबर से एक एक चीज पढ़ना इन दिस फर्स्ट पार्ट, बराबर से पढ़ो अपने मन के अंदर ही,
So now, in this first part, we write down all the expenses for making two things. Which two things was? Quantity produced of finished goods plus quantity produced of WIP. तो अभी एक common sense चीज़ है बेटा. ये जो है ना, ये तेरे total खर्चे हैं. मेरे को तो per unit खर्चे भी चाहिए. Per unit के लिए obviously quantity से divide करो. तो ये खर्चे करके, ये खर्चे करके, ये खर्चे करके, ये खर्चे करके, ये total खर्चे करके, तुमने कितना finished goods और WIP बनाया? तुमको वो चाहिए. These खर्चास are incurred for making finished goods and making WIP. तो अगर इन खर्चों का per unit चाहिए, divide by quantity produced of finished goods plus WIP. लेकिन तुम्हारे ना पहले 5 chapters का disadvantage. अगर ध्यान से सोचोगे, उन लोगों ने ना तुमको WIP का quantity नहीं दिया, उन लोगों ने तुमको WIP के stock का सिर्फ amount दिया, okay, quantity नहीं दिया. तो ना एक्चुअली क्वेश्चंस थोड़े से अभी गलत सॉल्व होंगे, लेकिन वो होएगा ही होएगा क्योंकि सामने आपने को WIP की क्वांटिटी का डाटा नहीं दिया. तो करेक्टली स्पीकिंग ये चीज तुम्हारे साथ 12 चैप्टर्स के बाद होएगा. ये खर्चों का अगर अपने को पर यूनिट चाहिए, यू शुड डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस WIP, क्योंकि दीस खर्चास आर इनकर्ड फॉर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस WIP. लेकिन WIP का क्वांटिटी नहीं है, नहीं है तो अभी मजबूरी के अंदर आई विल डू वन थिंग, आई विल डिवाइड ऑल दीस खर्चास ओनली बाय, कुछ बोलोगे, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि WIP का क्वांटिटी नहीं है. ठीक है, याद रखना, वो शायद अपनी गलती है लेकिन अपने को वो करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कौन सा क्वांटिटी नहीं दिया हुआ, WIP. WIP का अमाउंट है बेटा लेकिन क्वांटिटी तो नहीं है ना. तो दिस इज काइंड ऑफ अ एरर जो आपके हर एक क्वेश्चन के अंदर होगा, जिधर भी WIP का स्टॉक है लेकिन उसका क्वांटिटी नहीं दिया हुआ. बाद में एक चैप्टर आएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर पोर्शन कॉल्ड एज प्रोसेस कॉस्टिंग, वहां पर आपने को WIP का क्वांटिटी भी दिया रहेगा, तब मैं करेक्टली सिखाएगा क्योंकि तब वो चीज पॉसिबल होगा. अभी वो वाला चीज पॉसिबल नहीं है. लास्ट टाइम बोलो क्यों? WIP का एग्जांपल, इफ आई आस्क यू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है, बताओ कितना है? देखो 1920, वो रुपीस वाला फिगर है ना, यूनिट्स वाला फिगर है क्या? नहीं है ना. ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल, बस बात खत्म हो गई. ठीक है, तो अभी क्या करो, कैलसी लो 49200 डिवाइडेड बाय 25600, टू डेसिमल तक लिख दोगे तो चलेगा, 1.92, एक एस्ट्रिक डाल देना है इसके ऊपर. 40,000 डिवाइडेड बाय 25,600, 1.56. अच्छा, स्क्रीन पे देखो, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी चलेगा, इसको फिर से डिवाइड करोगे तो भी चलेगा. लेकिन क्या है, एक बार जरा मेरी तरफ देखो बेटा, ये और ये ना वही से भी राउंडेड ऑफ नंबर्स हैं. एग्जैक्टली 1.92 नहीं आया था शायद, हम लोगों ने राउंड ऑफ करके लिखा. तो राउंड ऑफ और राउंड ऑफ को ऐड करने से अच्छा ना दोबारा डिवाइड करोगे तो आंसर थोड़ा सा एक्यूरेट आएगा, और कुछ नहीं है. तो कैलसी लो 89200 डिवाइडेड बाई 25600, कितना आता बेटा? 3.48. जब तक फर्स्ट ब्रैकेट चल रहा है, आई एम पुटिंग दैट एस्ट्रिक, 16800 डिवाइडेड बाय 25600, 0.656 आता ना, तो 0.66 वो हो जाएगा ना, 1,06,000 डिवाइडेड बाय 25600, 4.14. अच्छा, ये जो एस्ट्रिक डाला, जरा नेक्स्ट पेज पे जाओ, एक एस्ट्रिक डालो और लिखो. नेक्स्ट पेज पे एक एस्ट्रिक डालो और लिखो, शुड बी डिवाइडेड बाय, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस WIP फुल स्टॉप, एज WIP स्टॉक इज नॉट देयर, कॉमा, वी ओनली डिवाइड बाय
quantity produced of finished goods. चलो सुनो, लेकिन देखो मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट तो खत्म हो गया, यहां तक ही होता है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सुनो, यहां पर और यहां पर कुछ नहीं लिखते, सिंपल रीजन क्यों है जरा एक बार वो सोचना। दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, जितने भी इनकम्प्लीट यूनिट्स फर्स्ट जे पर थे, WIP मतलब इनकम्प्लीट गुड्स, ये उनका कॉस्ट है बेटा। How can I divide this by quantity produced of finished goods for this year? How can I divide all these particular things by quantity sold? Okay, तो in any case इनका per unit कभी नहीं निकलता। वो तो सर per unit कब निकाल सकते हैं? तब निकाल सकते थे जब आपके पास opening stock of WIP का quantity होता। Okay, बेटा ये cost opening stock of WIP का ही है ना यार। अगर WIP का quantity देते फिर हम लोग निकाल लेते, अभी वो नहीं दिया हुआ तो यहां पर भी डैश डालना, यहां पर भी डैश डालना, ठीक है। नाउ आई एम टेस्टिंग यू ऑल, ओके बराबर से बोलना। कैलसी लो, 101520 डिवाइडेड बाय 25600 मारो, कितना आता बेटा 3.97। अच्छा अब मेरे को सोच समझ के बोलना, मेरा पोपट मत करना। आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स टू द बेस्ट नाउ। सुनो मेरे को जरा बोलो, इधर वो वाला एस्ट्रिक डालूं क्या? नहीं, क्यों नहीं बेटा? यहां पर तू ये तेरा सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, सेकंड ब्रैकेट के अंदर तो एनी केस यू आर राइटिंग द एक्सपेंसेस। आगे बोलो, ओनली फॉर फिनिश गुड्स, WIP तो चला गया ना बेटा पीछे। तो अगर मेरे पास WIP का क्वांटिटी होता भी तो ये सारे तुम्हारे फिगर्स बदल जाते, क्योंकि आई विल डिवाइड बाय, बोलो मेरे को, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP। लेकिन अगर मेरे पास WIP का क्वांटिटी होता भी, कैन वी से यहां तक तुम्हारा जो भी अभी खर्चा आ रहा है, दिस इज आफ्टर रिमूविंग WIP, नो यहां पर तो वैसे भी WIP के बारे में बात। अपना सेकंड ब्रैकेट पढ़ो एक बार, वहां पे क्या लिखा हुआ है? दिस इज द खर्चा दैट इज ओनली इनकर्ड फॉर, बोलो, फिनिश गुड्स ओनली, करेक्ट? नो, दिस इज क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स ओनली। तो यहां पे WIP का तो मेंशन भी नहीं है ना यार। तो वैसे भी ये वाला फिगर किससे डिवाइड होने वाला था? 25600। सबको समझ में आ रहा है? मैं एक क्वेश्चन करने वाला हूं, यू विल बी capable to do 10 questions also. तो एक question ध्यान से वो मेरे साथ करो। अभी कैलसी लो, 3200 divided by 25600, 0.13 ले लेता हूं। चलो राउंडिंग ऑफ का रूल, अगर थर्ड डिजिट 5 या उसके ऊपर है तो सेकेंड डिजिट प्लस 1 करके देख लेने का। ओके अभी कैलसी लो, 104720 divided by 25600। सुनो, बस इसी क्वेश्चन के लिए पूरी लाइफ के अंदर ये पूरा का पूरा नंबर लिखना, नेक्स्ट टाइम से नहीं लिखना लेकिन इस बार लिखो, 4.090625। मेरे को कुछ बोलने का है बाद में इसके लिए। अच्छा मेरे को जरा बोलो, 104720 को कौन से नंबर से डिवाइड किया तो ये वाला फिगर आ गया? 25 से। अभी कैसे ना कैसे जगह निकालो और यहां पर लिख के रखो 25600 यूनिट्स। अगर जगह नहीं है तो इस कॉलम के अंदर लिख लोगे तो भी मेरे को चलेगा, कुछ नहीं होता, दैट्स ओके। अच्छा कॉस्ट शीट याद करो, आधा घंटा पहले किया। मेरे को जरा बोलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद बेटा क्या आता है? एड, बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्या होएगा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और उसके बाद COGS आ जाएगा। अच्छा सुनो, मेरे को ना फिनिश गुड्स के क्वांटिटीज की जरूरत है, क्वांटिटीज। ओके मेरे को बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का क्वांटिटी देखो किधर ना किधर तो है क्वेश्चन के अंदर, ढूंढते रहो। 1600 क्विंटल्स या यूनिट्स, तुम्हारा जो भी मन है लिख देना। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी बताओ, 3200 यूनिट्स।
अच्छा अभी बराबर से मेरे को जरा बोलना, कैलसी की शायद जरूरत पड़े वो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हारा मैथ स्ट्रांग है तो यूज करना है, मौके फॉर दैट, गलत करने से तो अच्छा कैलसी यूज करो, ऑल दो ट्राई किया करो कि दिमाग में करो हर चीज। मेरे को बोलो 1600 यूनिट ऑफ फिनिश कुछ शुरू में थे, 25600 और बना लिए, एड अप करो पहले, 1600 प्लस 25600 कितना हो गया 27200। जब ही साल खत्म हुआ तो भी इतने तो अपने पास पड़े हुए हैं, तो माइनस करो ना उतने जितने वो पड़े हुए हैं, तो मेरे को बोलो बाकी 24000 के साथ क्या किया रहेगा, सोल्ड। तो इसके लिए यहां पे बेटा जी क्या लिखा है, क्वांट COGS का फुल फॉर्म गुड सोल्ड, तो यहां पे लिख के रखो 24000 यूनिट्स। और यही 24000 अपने को कॉस्ट शीट में ऊपर लिखना बाकी था, तो यहां पे लिख देना 24000 यूनिट्स। अच्छा देखो ओपनिंग स्टॉक का बेटा जी तेरे पास ना रुपीस भी है, जरा रुपीस देखो एक बार, 6400। अच्छा सुनो अभी एक चीज ऑब्वियस है, सम पीपल हैव डन इट आल्सो, तो परफेक्ट ही है बेटा, यू कैन नॉट डिवाइड दिस फिगर बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स, यू कैन नॉट डिवाइड दिस फिगर बाय क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड, बट ऑफकोर्स वन थिंग यू कैन डिवाइड 6400 बाय कुछ तो बोलो 1000 से, बेटा वो उसी का कॉस्ट है ना यार, ओके तो इसको इससे डिवाइड करो कितना आता है बेटा 4 रुपीज, तो यहां पे लिख के रखो 4। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, चलो ये वाला लाइन तुम लोगों ने पौना घंटा पहले मुझसे सुना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट, बेटा कॉस्ट के अंदर तुम्हारे 5 खर्चे आते हैं, मेरे को 5 खर्चों का नाम बोलो, डीएम डीएल डीई फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिन ऑफ फैक्ट्री। अब जरा सोचो बराबर से जरा देखना, कैन वी से इस कॉस्ट के अंदर वो सारे कॉस्ट आ गए ना, करेक्ट नो, इस कॉस्ट के ना वो पांचों का जो भी इसके ऊपर लिखा 4.09 के अंदर वो था ना यार, ओके सो देयरफॉर सुनो अभी जरा ध्यान से सुनो मैं कुछ तुमको ना अकाउंट के अंदर वो बताता है ओके ताकि वो ना भूले, अगर ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट टाइप है बिकॉज यू आर गुड इन अकाउंट तो इसलिए ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। सुनो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने का था बेटा 1600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 कितना आया था 6400, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे था 2 क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स और कितने यूनिट्स इस पीरियड के अंदर बनाए थे 25600 कॉस्ट शीट के ना सबसे पहले ऊपर लिखा इनटू किसे मल्टीप्लाई कर लेने का 4.09065 और समझ में आएगा ये वाला अमाउंट 104720 है ना, आप उन लोगों ने भी तो उधर से आंसर लेकर आया था ना 104720 समझ में आ गया ओके सुनो उसके बाद अभी एक मिनट छोटा करता हूं वरना अकाउंट चलो ठीक है आगे 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 तो 1600 यूनिट शुरू में थे 25600 जो है आप उन लोगों ने और प्रोड्यूस किए तो यहां पे सेल्स भी तो आएगा लेकिन मैं सेल्स नहीं लिखता मैं बस यहां पे लिखता हूं बाय क्वांटिटी सोल्ड ऐसा लिखता हूं मेरे को बोलो कितने यूनिट्स बेचे बेटा बोलो 24000 तो कैन यू से दिस विल बी नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक नो दिस विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स का 3200 ठीक फ्यूचर के अंदर भी क्या करना दिस प्लस दिस हैज टू टैली विद दिस प्लस दिस नो अगर कभी एक चीज ना दिखे ऐसा एक अकाउंट बना के देख लेना कि बैलेंसिंग फिगर क्या होएगा ओके ऑल्दो माय एम वाज नॉट दैट लेकिन अब तुमको वो बताता हूं कि मेरा एम क्या था देखो मेरे को ना इधर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का फिगर लिखने का है ठीक है तो आई नो वन स्मॉल थिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट और कॉस्ट के अंदर 5 खर्चे आएंगे दैट यू ऑल नो लेकिन अब जरा सोचो बराबर से सोचना बेटा वो 5 खर्चे तो इसके अंदर भी हैं और वो 5 खर्चे तो इसके अंदर भी हैं बोलते हैं नहीं सर हाँ दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस ईयर आगे बोलो
This is cost of production of last year. Now, whether it will get valued at this or this, whatever, that depends upon the method. So, abhi tum log mere ko ek method ka pehle naam bolu. Suno. By default, no, some kuch na bole, to FIFO method follow kar lena, theek hai? Exam ke na koi aur method likha ho, then you can follow that. Varna by default, to FIFO hi method follow karna, theek hai? Barabar se suno. FIFO ka full form bolo. जो दुनिया में पहले आता है वही दुनिया से पहले जाता है तो मैं तो पक्का तो पहले तो मैं मरेगा सुनो तो इन दिस केस नो सुनो बराबर से देखना 24,000 यूनिट जब बिके उसके कैसे बेटा ओपनिंग स्टॉक कितना था 1600 तो कैसे बाकी 22,400 जो था वो इसके अंदर से आया रहेगा और क्या ओके तो मैं क्या बोलता हूं 25,600 के अंदर से 22,400 जो है वो तो बेटा बिक गया और कहने से 3,200 जो है वो किधर पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक तो मेरे को एक ही बार जरा बोलना मतलब अगर मैं फीफो मेथड फॉलो करूं तो दिस 3,200 इज फ्रॉम मेरे को ऐसा बोलना फर्स्ट के सेकंड सेकंड तो कहने से इट विल गेट वैल्यूड एट व्हाट यार 4.090625 सबको समझ में आ गया मैं बस वही वाला काम कर रहा हूं कुछ नहीं अभी यही चीज कॉस्ट शीट के अंदर लिख देते हैं बस ओके तो कहने से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3200 यूनिट्स विल बी आउट ऑफ दिस नो यार इफ विल बी आउट ऑफ दिस तो यहां पे अभी लिख के रखो 4.090625 और ये कैलसी के ऊपर नंबर लेना मेरे को बोलो नंबर लेके क्या करेगा इसके साथ बेटा ये नंबर लेके क्या करेगा वो उसके साथ मल्टीप्लाई कौन से नंबर के साथ 3200 तो करो फिर बोलो 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 कितना आता है 13090 कैलसी लो बेटा जो भी लेस करता है ना ब्रैकेट के अंदर वो डाला करो उसको तो इस फिगर को ब्रैकेट के अंदर डालना सिर्फ इसी फिगर को ब्रैकेट के अंदर डालना प्लीज तो 104720 प्लस 98030 सुनो मेरे को COGS का फुल फॉर्म वो बोलो ना प्लीज लास्ट टाइम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन यू से नाउ यू आर एंटरिंग इनटू थर्ड पार्ट ऑफ योर कॉस्ट शीट मेरे ख्याल से ये तेरा तीसरा पार्ट था ना कॉस्ट शीट का इस थर्ड पार्ट के अंदर यू राइट डाउन एवरीथिंग फॉर विच क्वांटिटी क्वांटिटी सोल्ड तो अभी 98030 लो और उसको क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड करो क्वांटिटी सोल्ड बेटा कितना था 24,000 और अभी टू डेसिमल तक लिखेगा तो चल जाएगा 4.085 सुनो पहले इसलिए बराबर करता हूं क्योंकि क्या होता है ये वाला जो फिगर होता है ना ये तेरे स्टॉक की वैल्यूएशन के अंदर यूज होता है तो इसलिए आई ट्राई टू टेक दैट नंबर एज लॉन्ग एज पॉसिबल ओके उसके बाद ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ना कुछ काम में नहीं आता इसलिए वो टू डेसिमल्स या थ्री डेसिमल्स तक वो कर देगा तो बहुत हो गया ठीक है चलो सुनो ये वाला तुम्हारा काम हो गया अभी तुमको एक सॉलिड चीज बोलता है ओके लेकिन उसके लिए तुम लोग मेरे को एक और बार तो वो बोलो COGS का फुल फॉर्म क्या होता है ब्रिलियंट मेरे को इस अकाउंट के देख के जरा बोलो गुड सोल्ड किधर है डेबिट साइड के क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड गुड सोल्ड कितने यूनिट्स का था 24 था तेरे को उसी का कॉस्ट चाहिए ना एक मिनट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स विच आर सोल्ड करेक्ट नो तो विच गुड्स आर सोल्ड सर 24,000 आर सोल्ड ओके लेकिन 24,000 का तो दो पार्ट है ना 1600 और 22,400 मेरे को बोला 1600 यूनिट का कॉस्ट कितना था 4 रुपीज और ये यूनिट्स का कॉस्ट कितना था 4.090625 कैसे 69 × 4 इज 6400 अपना कैलसी लो जरा देखो सब टैली होता है 22,400 इनटू करो 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 सुनो ये वाला फिगर लिया उसके अंदर 6,400 तो ऐड करो
ऑब्वियसली वो यही वाला फिगर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो यूनिट्स बेचे, आगे बोलो, जो यूनिट्स बेचे उसका कॉस्ट, तो हम लोगों ने वही तो निकाला ना इधर, तूने 24,000 यूनिट्स बेचे, उसके से 1600 यूनिट का कॉस्ट कितना था 4, और बाकी 22,400 का कॉस्ट कितना था 4.09065, दोनों को एड अप करोगे इट शुड वर्क आउट टू 980 थ्रू बेटा वर्ल्ड शुड टैली नो वर्ल्ड के अंदर गुड पीपल एंड बैड पीपल आर सेम ओनली दैट इज व्हाई द वर्ल्ड इज सर्वाइविंग नो ओके तो अल्टीमेटली थिंग्स विल टैली ओनली नो यार ओके सो देयरफॉर 980 वैसे भी तुम्हारा आ सकता है ठीक है सो वन ऑफ द रीजंस कि मैं फीफो मेथड फॉलो करता हूं क्योंकि इट बिकम्स अ वेरी चीप मेथड फॉर अस टू फॉलो व्हाई चीप मेथड यही वाला नंबर इधर कॉपी पेस्ट कर सकते हो क्योंकि फीफो मेथड है तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी आउट ऑफ करंट ईयर नो बेटा 3200 अगर मैं फीफो मेथड फॉलो करेगा दिस विल बी आउट ऑफ दिस नो सो देयरफॉर ऑटोमेटिकली ये वाला फिगर इधर कॉपी करो 3200 के साथ मल्टीप्लाई करो ये वाला आंसर आ जाएगा एंड प्रोसीड ठीक है दिस इज ऑल डन वी आर ऑलमोस्ट जस्ट एंडिंग द क्वेश्चन अभी जरा लिखो एड सम के लिए देख लेना जनरल एडमिन तो था ही नहीं लेकिन एसएनडी के नाम पे पैराग्राफ अपना स्टार्ट हुआ था लिखो एडवर्टाइजमेंट डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट आप लोग वरना एसएनडी ओवरहेड्स लिखते तो भी चलता था अच्छा टेक्स्ट बुक के ना जरा देखो वो कितना लिखा हुआ है 0.40 पर क्विंटल तो यहां पे पर क्विंटल के अंदर तो पर यूनिट के ना 0.4 तो डालो अच्छा अभी सोच समझ के बोलना 0.4 पर क्विंटल ये तो पर क्विंटल है ना टू गेट द टोटल अमाउंट शुड यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस शुड यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड सोल्ड क्वांटिटी सोल्ड बेटा कितना था 24,000 लो कैलसी के ऊपर 0.4 इंटू 24,000 9,600 This will give you cost of sales. And profit gets sales. हाँ वो उतना ही था वो मैंने गलत लिखा है हाँ 4.485 अच्छा सुनो सेल्स मेरे को जरा बोलो तुम्हारे प्रोडक्ट का नाम क्या था इस क्वेश्चन के अंदर एक्स देखो उसका सेल्स कितने रुपीस का हुआ 1,20,000 1,20,000 लो पहले कैलसी के ऊपर डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड मारो 24,000 ₹5 आएगा ऑब्वियसली ये तेरे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है बेटा तूने 24,000 यूनिट बेच के 1,20,000 रुपीज वो कमाया मतलब 5 रुपीज का सेलिंग प्राइस है बस अभी प्रॉफिट को बैलेंसिंग फिगर निकाल लो कितना आता है बेटा 0.515 के आसपास ठीक है अच्छा देखो सुनो 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 स्क्रीन पे जरा देखना बेटा जो क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स था ना ये अपने पास ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर नहीं था तो हम लोग ना उसका नोट बनाएंगे जरा सोचो 24,000 अपने को कैसे मिला था मैंने इसलिए इनफैक्ट तुमको ये वाला चीज तो बता भी दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड
less closing stock will give you quantity sold na yaar. Your this plus this has to tally with this plus this, no? Okay. To likhe rakho working note 1, to next page pe chalo. Heading do quantity sold of finished goods. Suno. बस ना इस चीज को ना अकाउंट फॉर्म के अंदर मत किया करो, इसको बैलेंसिंग फिगर के तौर पे करो, इट विल ऑलवेज बी बेटर. तो ऑब्वियसली 24,000 वाज नथिंग बट इन दिस केस दिस प्लस दिस माइनस दिस. ओके, तो यहां पे ऐसे लिखना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1600 plus quantity produced of finished goods 25,600 less closing stock of finished goods 3200. This will give you 24,000. Acha, suno. Bas last thing for this question, barabar se sunna zara. Main thodi si cheeze rub out kar raha hu, suno. Hum logon ne FIFO method to follow kar liya, theek hai. अभी अपने को कोई बोलता है कि ना लीफो मेथड फॉलो करो, क्योंकि लास्ट लाइन के अंदर वैसा लिखा हुआ है अगर लीफो करोगे वेटेड एवरेज करोगे तो सुनो बराबर से सुनना मैं क्या बोलने वाला है. देखो अगर लीफो मेथड, लीफो का फुल फॉर्म तो बोलो चलो पहले, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है. तो जो पहले नहीं, जो बाद में आया वो पहले गया, यहीं से अगर जो बाद में आया वो पहले गया, ये पूरा का पूरा 24,000 इसी के अंदर से होएगा ना फिर तो, करेक्ट नो? ओके, जो बाद में आया वो पहले बिका यार. ओके, तो ऑब्वियसली तो कैन वी से पूरा 24,000 का कॉस्ट कितना हो जाएगा 4.090625 बरोबर. लेकिन ये 3200 का बच्चा अभी दो पार्ट होएगा, मेरे को बोलो क्या दो पार्ट होएगा 1600 एट द रेट ऑफ 4, कैन वी से वो ये वाला है. और एक मिनट, 25,600 के अंदर से कितना बिक गया था 24,000, यानी से 1600 इधर बाकी था ना, तो दिस 1600 विल बी 4.090625. सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया? दिस विल बी द फर्स्ट फिगर, दिस विल बी द सेकंड फिगर, एड अप करके अपने को आंसर आ जाएगा. अगर लीफो मेथड बोला रहता तो 13090 के बदले में वो वाला आंसर आ जाता जो इसको और इसको एड अप करके आता है. अगर लीफो मेथड चाहते तो वो कर ही सकते थे. मैं बोलो फीफो मेथड क्यों अच्छा रहता है मेरे को वो बताओ, काम जल्दी होता है बस, और कुछ नहीं है. आई लव वगैरह वो फालतू चीजें नहीं बोलने का. ओके, इन दिस केस दिस विल गेट कॉपीड ओवर हियर, दिस विल गेट कॉपीड ओवर हियर, यू मल्टीप्लाई. ओके, सबको समझ में आ गया, वर्क विल हैपन फास्टर. लिखो जरा प्लीज, राइट डाउन वर्किंग नोट 2, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. Valuation of closing stock. Next time we'll call FIFO dash 3200 into 4.090625 जो अपन लोगों ने किया. 3200 into 4.090625 is equal to cost sheet का amount बेटा कितना आया था 13090. Next time लिखो LIFO dash, मेरे को बोलो what into what plus what into what, 1600 into 4 plus 300 into 4.090625. कंप्यूट करो, कैलसी के ऊपर लिख लो.
लास्ट अभी लिखो थर्ड वेटेड एवरेज मेथड. चलो ऑल दीज थिंग्स रन इन अ ब्लड ओनली. अब मेरे को सोच समझ के, मैंने तो एग्जाम्पल पहले वो दिया था, मेरे को बोलो अगर वेटेड एवरेज मेथड होएगा, कैलसी लेके खुद ब खुद कंप्यूट करके बोलो, मेरे को बोलो आंसर कितना आएगा. अपने हिसाब से ट्राई मारो ना, मैं तो कर ही दूंगा बाद में अगर नहीं आया तो. सिर्फ कैलसी के ऊपर ही ट्राई करो, मेरे को आंसर बताओ. आया बेटा आंसर कितना आता है? 13072 के आसपास. तो स्क्रीन पे देखो, सबसे पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालेंगे. वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे मिलता है? दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस करो कितना आता है? 111120. दिस इज टोटल ऑफ द अमाउंट्स. नाउ टोटल ऑफ द क्वांटिटी, टोटल ऑफ द क्वांटिटी कितना आ जाएगा? 27200. इन दोनों को डिवाइड करो, दैट विल गिव यू वेटेड एवरेज कॉस्ट. वेटेड एवरेज कॉस्ट बेटा कितना आ जाता है? 4. सबको समझ में आ रहा है? दिस इज नथिंग बट वेटेड एवरेज कॉस्ट. मैं क्या बोलता हूं, एक बार वेटेड एवरेज कॉस्ट मिल गया ना तो कैंसल कैंसल, आई डोंट रिक्वायर ऑल दिस. नाउ आई डायरेक्टली से वन थिंग, मैंने ओवरऑल बेटा कितना यूनिट्स बनाया? 27200. व्हाट वाज माय कॉस्ट यार? 4.085. बस कैन वी से अभी इसका भी कॉस्ट कितना हो जाएगा? 4.085. इसका भी कॉस्ट कितना हो जाएगा? 4.085. नाउ एवरीथिंग विल बी एट 4.085. नो ओके, सो आंसर तुम्हारा आ जाएगा वो 3200 को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, लिखो थर्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट. तो सबसे पहले अपने को वेटेड एवरेज कॉस्ट भी तो निकालना पड़ेगा ना. एक मिनट, दिस इज थर्ड मेथड नो, वेटेड एवरेज मेथड. ओके, तो नेक्स्ट लाइन पे लिखो वेटेड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 104720 प्लस 6400 डिवाइडेड बाय 24600 प्लस 1600. फोर पॉइंट जीरो एट फाइव था ना अप्रॉक्स. इंटू क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी 3200. 13 कितना था बेटा? 072. चलो योर दिस क्वेश्चन इज डन. आप लोग अपना लास्ट ब्रेक लो तो 20 मिनट्स के बाद स्टार्ट करते हैं.